कप्तान का लाहौर में पावर शो, रैली के साथ दाता दरबार पहुंचे, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इतवार को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान, कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ थी। जगह जगह शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर फूल निशावर किए गए। इमरान खान के हक में नारे, कारकुन रुकावटें हटाकर रैली में शामिल हुए। रैली धर्मपुरा से होते हुए गढ़ी शाहू, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रेड, दिल्ली गेट, शालम मार्केट, लोहारी गेट, उर्दू बाजार और भाटी चौक से होते हुए पहुंची। हर सू पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों का तरानों पर रक्स, आवाम घरों की छतों पर चढ़कर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद रहे, सिक्योरिटी की 6 गाड़ियां भी साथ थी। गाड़ी के अंदर बैठकर कारकुनों से खिताब किया, कहा लाहौर वालों मिलकर जद्दोजहद करनी है। मीनारे पाकिस्तान पर दोपहर 2 बजे जलसा होगा। तोशाखाना केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नून लीग की फॉरेन फंडिंग सामने आए तो सब पता चल जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 वारंट फिर जारी। इस्लामाबाद पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए उड़ते ही पहुंची, हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर आमद। खातून जज धमकी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने अदम हाजी पर वारंट जारी किए। इमरान खान की हाजिरी से सस्ना की दरखास्त रद्द, 29 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई का सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया, जज के फैसले से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये पेशगोइयां हुई। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट बहाल, हाजिरी से सस्ना की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल एंड सेशन जज का इमरान खान को 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ, कहा इमरान खान लीडर नहीं गीदड़ है, अपनी हिफाजत के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। इमरान खान कहते हैं मुझे कैंपेन की आज़ादी है, उन्हें नहीं, आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं दी गई, छीन कर ली है। इसको किसने कहा था बेड के नीचे छुप जाओ, मुल्क IMF के हाथों यरगमाल है, IMF का बर्ताव हमसे किसी मुल्क की कॉलोनी जैसा है। इमरान खान ने तोशाखाना की फहरिस्तें नहीं दी। इमरान ने कहा मेरे तोहफे मेरी मर्जी। इमरान खान कौम की बेटियों को ढाल बनाता है, जो अपनी बेटी की फिक्र नहीं करता कौम की बेटियों की क्या फिक्र करेगा। जिले शाह शहीद हुआ तो उसकी लाश पर सियासत शुरू कर दी। जिले शाह पीटीआई कारकुन था, मगर इसकी मौत पर दुख है। इमरान खान को गिरफ्तार करने से घबरा नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने कहा है पहले इंक्वायरी होगी फिर गिरफ्तारी। वजीर कानून आजम नसीर तारर ने वाज़े कर दिया, कहा अदालत किसी को बुलाए तो उसे पेश होना चाहिए। इमरान खान को खुद को पुलिस के हवाले करना चाहिए। ये भी कहा कि आला अदालतें तराजू के पलड़े बराबर करें, अगर निज़ाम चलाना है तो तमाम इदारों को अपने अपने काम करने होंगे। जजिस को सोशल मीडिया के दबाव से बालातर होकर सोचना चाहिए, मुल्क चलेगा तो ही इमरान खान की सियासत चलेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने 14 मार्च की हाजिरी के लिए वारंट मंसूख किए। इमरान खान और फवाद चौधरी ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन वापस ले ली। मरियम का वालिद BMW सारा टप्पर घड़ियों पर हाथ साफ करता रहा। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब के बाद कहा नवाज शरीफ के बरतानवी शहरी बेचे भी तोशाखाना पर हाथ साफ करते रहे। तोशाखाना लूटने में इतलात वाली कनीज और दरबारी भी पेश पेश रहे। आला अदालती कमीशन बिठाकर तलाशी ली जाए, जाती उम्र के कज़ाकों से चोरी का लंबा माल बरामद होगा। इमरान न्यासी के पास रैलियां निकालने का वक्त है, अदालत के लिए नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान नाअहली से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का तमाशा लगे और खून खराबा हो। नाअहली और जेल उनका मुकद्दर बन चुका है। तोशाखाना तफसीलात पर आवाम की आंखें खुलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, ये बैन अल-अक़वामी चोर हैं, इन्होंने आवाम का माल लूटा। इलेक्शन कमीशन दबाव में आने के बजाय सच की बुनियाद पर फैसला करे।
2002 से पहले तोशाखाना का रिकॉर्ड जिस शक्ल में मौजूद है पेश करें। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए, जायजा लेना जरूरी है, तोहफे दिए क्यों जाते हैं, क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है बदले में कोई फायदा लिया जाए, अदालत मुकम्मल जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा फैसला, कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, कहा हिदायत की है कि कपास हमारी टेक्सटाइल की सनत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, कपास का काश्तकारों को सहूलत फराहम करके उसकी पैदावार में इजाफा करेंगे। पंजाब में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी के मामला तय पा गए। पंजाब के 17 लाख मुस्तहिक खानदानों के 6,29,00,000 अफराद को मुफ्त आटा मिलेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को मजमूई तौर पर 30 किलो मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों को मजमूई तौर पर 30 किलो मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। बरवक्त तकसीम के लिए पंजाब भर में 1,000 से ज्यादा ट्रकिंग पॉइंट्स और 6,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुकानों पर मुफ्त आटा दस्तियाब होगा। डॉलर हर गुजरते दिन के साथ तगड़ा, रुपए को धोबी पटका, इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा, 281.60 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट में 2 रुपए इजाफा, 285 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी।